आप खुद एक मुस्लिम है और आप भारत में रहते हैं, बड़ा गहरा सवाल है, कुछ कड़वा भी है, तीखा भी। अगर आप माइंड कर जाए तो मैं एडवांस में आपसे सॉरी कहती हूँ। मजहबी इंतजार हमने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट में यानी मोदी साहब की गवर्नमेंट में बड़ा है। आप खुद मुस्लिम में कैसे देखते हैं मुसलमानों के साथ वहां पे इस तरह का नारवा सलूक बरता जाता है? आपको बतौर मुसलमान तकलीफ होती है और बतौर इंसान तो होनी ही चाहिए। हट पागल औरत, ये किसने आपको बताया कि बड़ी तकलीफ होती है? मुझे तो आज तक नहीं लगा कोई मुझे तकलीफ। आपका अपना मीडिया, सोशल मीडिया आजाद है, हम लोग सब देखते हैं। यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूँ मैं, यहाँ के अच्छी जगहों पे मैंने नौकरी की है, मैं अकेला नहीं उस तरह के। पता नहीं कितने आपको अखबार में भी और दूसरे शोबे में लोग मुसलमान मिल जाएंगे। यहाँ पे जितने बड़े बिजनेसमैन हैं मुसलमान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक भी नहीं होगा उनके मुकाबले में। जो चंद पांच छह जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिलियनर्स हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर छोटे बिजनेसमैन यहाँ पे जितने हैं उतने बड़े भी नहीं होंगे। इतनी बड़ी इकनॉमी मुसलमानों की है, शायद पाकिस्तान की पूरी टोटल इकनॉमी नहीं होगी उतनी। देखिए हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग इस तरह की बातें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं करते। हमारे यहाँ जरूर है एबरेशन, उसमें जरूर होता रहता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो नफरत आती है, और पाकिस्तान जो हिंदू मुस्लिम बनाई नफरत पे है, उसके जिस तरीके से अलहदगी कराई गई है कि मुस्लिम हमारे सेपरेट नेशन अलग हो गए, आपने अलग बना लिया अपने मुल्क को, और फिर उसके बाद वो जिस दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान की वो जो में जो सियासत है वो उसको आगा सर थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। आई एम रियली सॉरी, आप मुझे बड़े हैं एज में भी, तजुर्बे में भी, मेरा मुझे आपकी करेक्शन करनी नहीं चाहिए, लेकिन नफरत नहीं थी, बेसिकली तासुब था, वही तासुब जो आज भी पाया जाता है। 7 decades गुजर चुकी हैं, 7 से ज्यादा दहाइयां गुजर चुकी हैं, आपके हाथ से देखा जाता था, तभी मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक बढ़ता जाता था, और अब तो मजीद बढ़ता जा रहा है ये सब कुछ नफरत में और वन साइडेड तासुब में। बड़ा फर्क होता है, इसलिए पाकिस्तान बना था दो कौमी नजरिए पर। मैं चाहूंगा कि आप जरा सा अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान दें, कि आप जरा सा अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान दें। जुल्म बढ़ जाता है ना, एक मिनट डॉक्टर एजाज साहब, आपने 1947 की बात की थी ना, जब जुल्म बढ़ जाता है तो 1947 में से भी हमने देखा कि हमने भारत के सीने में से चीर कर इतना बड़ा टुकड़ा पाकिस्तान निकाला था, और आज तक आप लोगों को हजम नहीं होता। हट पागल औरत, तो खालिस्तान भी बन सकता क्यों? अरे हजम वो तो 1947 हो गया, हिंदुस्तान के तमाम लोग वहाँ चले गए, यही हालात थे ना। हम लोग ध्यान से सुनना डॉक्टर साहब की बात, नहीं गए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान नहीं गए, क्योंकि जानते थे कि पाकिस्तान जाके वो मुहाजिर कहलाएंगे, उनको अपनाया नहीं जाएगा, वहाँ पे पंजाबी कल्चर तो आ जाते ना, आज जाते बेचारे, वहाँ पर गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी ना होती, वहाँ पे ईद उल अज़हा पे गाय कुर्बान करने पर पाबंदी ना होती, वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी वीडियोज आती हैं कि घरों में जाके उनको मारा जाता है, लहू लुहान किया जाता है, उनको कहा जाता है कि उनके भगवानों के नाम ले लेके नारे लगाए, मजहबी आजादी नहीं। अगर आ जाते पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से बेचारे बेहतर होते। आप लोगों ने जो आपकी मैं बात नहीं करी, आपके खासतौर पर बीजेपी गवर्नमेंट, इतनी गंदी गवर्नमेंट मेरे ख्याल से इंडिया की, देश में आपके ईसाई हो या हिंदू भाई हो, या आप जरा बताइए कैसे देखते हैं सिचुएशन को, सवाल कर सकता हूं, नजर से नहीं देखेंगे इसका मतलब आप इस्लाम में यकीन नहीं रखते। इस्लाम का मतलब इंसानियत है, जवाब दे सकते हैं आपके भाई है, हिंदू समाज आपके भाई है, इंसानियत इसका मतलब है। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं आप? आफ्ताब साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, डॉक्टर एजाज साहब। मैं बड़ा एक मासूमाना सवाल कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं एक बड़ा मासूमाना सवाल कर रहा हूँ, लगता है डॉक्टर एजाज के नाम से मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन आप अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान शख्स होंगे, तो अगर आप मुसलमान हैं तो आने वाले कुछ दिनों के बाद एक ईद कुर्बान आ रही है, आपके अंदर इतना ताकत है कि आप अपने घर के बाहर गाय को कुर्बान कर सकें? भाई मैं हिंदुस्तान में रहने वाला एक मुसलमान हूं डॉक्टर, और मेरा यकीन है इंसानियत में, मेरा यकीन है इंसानियत में, मेरा यकीन है अपने मजहब में कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है, दहशत गर्दी की जगह हिंदुस्तान के मुसलमान सवाल किया आपसे नहीं होनी चाहिए। वाह डॉक्टर साहब वाह, मजा आ गया जो जवाब दिया आपने, इनको मजा आ गया। सवाल ये नहीं था, सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि क्या आप ईद उल अज़हा के लिए गाय ले सकते हैं और अपने घर के बाहर बांध सकते हैं उस भारत में, जिस भारत की आप बात कर रहे हैं जहां मजाहिब को आजादी है? अरे
देखिए भारत में रहते हैं, यहाँ पे हर हर महीने 15 से 25 नई मस्जिदें तामीर होती हैं, लोग अपना काम करते हैं। जी हाँ, छोटे मोटे डॉक्टर साहब, अगेन आई वुड रिपीट के हम पूछ रहे हैं कि गाय बांध सकते हैं घर के बाहर ईद उल अज़हा में कुर्बानी के लिए? मैं रोज हर जुमे को अपनी नमाज पढ़ता हूँ और अपने लोग आते हैं अपने, अगर मैं आपसे सवाल के नमाज की बात नहीं पूछ रहे, वो गाय की बात पूछ रहे हैं। मैं फिजा 5 चार बार डॉक्टर साहब ने बात को घुमाया, इसका मतलब डॉक्टर साहब के पास जवाब नहीं है। जी आफताब साहब, मैं डॉक्टर साहब से ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जुम्मे की नमाज तो पढ़ लेते हैं लेकिन अल्लाह का ये हुक्म है जो कुर्बानी के सिलसिले में वो पूरा नहीं करते। तो नमाज तो आप कहीं भी पढ़ लें तो नमाज अदा हो जाएगी, आप घर पे पढ़ लें, घर से बाहर पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, लेकिन आप इतनी हिम्मत नहीं करेंगे कि नमाज को भी आप बाहर अदा कर सकें। मेरी बात सुनिएगा एक मिनट, अब आप मुझे सिंपल न्यूट्रल राय दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस भी आती हैं जिसमें कहा जाता है पकड़ के मुसलमानों को हर पॉइंट पे कि जय श्री राम ट्रक पे जा रहे बोल के दिखाएं, आपके भगवानों के नाम मसला है। तमाम बातों के जवाब नाज़रीन हम देंगे। भारत में रहने वाले मुसलमानों की बहुत ज्यादा फिक्र जताते हो ना तुम लोग, तो तुम इतने ही फिक्र जताने वाले हो मुसलमानों के लिए। तो भारत पाकिस्तान बंटवारे के टाइम पे जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, तुमने आज तक उनको नागरिकता नहीं दी है, वो उनको तुम आज भी मुजाहिर मानते हो, उनको नागरिकता नहीं दी गई है। तुम लोग तुम्हारे यहाँ जो रह रहे तुम उनको नागरिकता ना दे सकते तो तुम हमारे यहाँ वालों की तो क्या ही टेंशन करो, वहाँ से बेहतर है यहाँ के। इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मुझे फख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मा। ठीक है कमर आगा साहब, आप भारत में रहते हैं और आप मुस्लिम भी हैं, भारत में तो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, या भी रोहित की तरह कहेंगे कि कहाँ हो रहा है और मुझे दिखाएं कहाँ हो रहा है? शुरू में जब आपने बात करनी शुरू की तो मैं समझा शायद आप बात कर रही हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की, जिसकी कि वहाँ की जो रिपोर्ट आती है वो इसी तरह की है जिस तरह की आप कश्मीर के बारे में बात कर रही थी। मेरा दिमाग उधर ही गया, मैंने कहा कि ये तो बहुत ही लिबरल और बहुत ही चैनल है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ मुसलमान रहते हैं, शायद पाकिस्तान से भी करीब नंबर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, बल्कि ये पुरानी मैं नंबर बता रहा हूँ, फिगर्स बता रहा हूँ, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। और हम लोग के पास बिजनेस है, हम लोग को हर किस्म की आज़ादी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हम लोगों ने खोल रखी है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मुसलमान चला रहे हैं, सिप्ला और विप्रो और जैसी बड़ी कंपनीज, उसके अलावा पता नहीं कितनी वो कार्ड और जिनका शुमार ग्लोबल बड़ी कंपनीज़ में होता है मुसलमानों की, उसके ओनरशिप है। मुसलमानों के हालात यहाँ पे पहले बहुत ख़राब थे तो हिंदुओं के भी ख़राब थे, आज़ादी के बाद जब इंडिया में पैसा आया मुसलमानों के भी हालात बेहतर हुए, आप बोलने देंगे हमें? और फिर उसके बाद ये कि जहाँ तक है सब हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत भी है, मुसलमानों में भी गुर्बत है, तो हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन गरीब है। कमर साहब सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये जो इतने एहतजाज कर रहे लोग भारत में वो मुसलमान है या हिंदू हैं? कौन एहतजाज कर रहा है किन चीजों पे यहाँ पे उनके साथ? क्या वो अकेले मुसलमान थे? नहीं, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए, एक सेकंड। जो एहतजाज कर रहे थे वो अकेले मुसलमान नहीं थे? अब मैं क्या बोलूं, अब मेरा कौन एहतजाज हिंदुओं की? एक मिनट फिजा बात करने दो, अगर बुलाया है तो उनके साथ एक बड़ी तादाद, जी जी, उनके साथ एक बड़ी तादाद थी नॉन मुस्लिम्स की और उनके साथ सब शाना बशाना लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और दूसरे अदालतियाँ हैं यहाँ के ऊपर। ये व्हाट आर यू टॉकिंग जी कमर आगा साहब,
कमराजा साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, और मेहमान अगर कुछ बोलेगा तो मैं इसके लिए रिस्पांसिबल। एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ये बातें बंद करे कि वो मुस्लिम कंट्रीज का लीडर है या हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में पूछ रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपसे किसी किस्म की मदद की। हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी जो कुछ है परेशानियाँ हम खुद लड़ना जानते हैं, लड़ते हैं, मिलते हैं, और हम लोग अकेले नहीं लड़ते, हमारे साथ और दूसरी मानते हैं परेशानियाँ हैं कि बिल्कुल होती है। किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ, किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारे, हम पे भी है, रॉयड भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, और फिर उसके बाद अदालत में भी जाते हैं, और उसके बाद हमको वहाँ से निजात भी मिलती है, छूट भी मिलती है। ठीक है जी कमर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है मलीहा, हिंद की हदीस वेबसाइट पर डालते हैं, ये जाहिल अपनी दुकान चला रहे हैं, ये लश्कर तैयबा वाले जो बड़ी फिक्र हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की कर रहे हैं, पहले उनको अपने मुल्क पाकिस्तान को सुधारो, बोलो जहां पाकी के सिवा बाकी सब कुछ है, हमारी फिक्र करना छोड़ दो बोलो। और जो कश्मीर पीर के बारे में नारे लगा रहे हैं, ये सिर्फ सियासत है। कश्मीर के मुसलमान हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर जाएंगे तो उन मुसलमानों का नुकसान ज्यादा है फायदे से ज्यादा। कहां जाएंगे? पाकिस्तान के पास। बना जो मुल्क आज तक नहीं समझा संभाल ले, किसके बनाने पर बनाए? एक ऐसा जिना जिसका सुन्नी जमात से ताल्लुक नहीं, दीन से ताल्लुक नहीं, इस्माइली शिया के नाम पर बनाए, इस्माइली शिया के नाम पे भरोसा करके मुल्क बनाए पूरा, जिसको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, कमबख्त को शराब पीने वाला, सुअर का गोश्त खाने वाला जिना, नमाजें नहीं पढ़ने वाला जिना, ये इनका कायद आजम है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का कायद आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जानता हूं कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं, मगर मुझे उस शख्स का याद नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। नमस्कार दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जो भी वीडियो से संबंधित आपको कुछ भी बोलना है मुझे कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो बहुत अच्छे होते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बहन चोद। Oh, my God.